previously on Easy Pensarai. During the Eocene age, the Indian and Eurasian tectonic plates collided, resulting in the formation of the Great Himalayas and closing of the Tethys Ocean. This collision initiated the Indus River system. The Himalayas have been melting and a majestic river has been flowing and giving birth to life and civilizations around it ever since. A river we today call the River Indus. Ya Darya is Sindh. Ya Sindhu Darya is the mothership of this land and its story. Author or lawyer Ehtizaz Ehsan apni kitab mein kehte hain, Pakistan is the land of the majestic Indus and its many tributaries. Is Darya ki daastan is Darya jitni hi wasi hai. और गहरी भी बट द नेम सिंधु और हिंदू हैज अ ब्यूटिफुल ओरिजिन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन हिंद सिर्फ संस्कृत जबान का लफ्ज नहीं बल्कि तमाम पुरानी इंडो आर्याई या इंडो एरियन लैंग्वेजेस में यह लफ्ज चलते हुए पानी या पेरिनियल वाटर के लिए इस्तेमाल होता है और पश्तो इस खित्ते की वो वाहिद जबान है जिसमें यह लफ्ज आज भी इसी तरह इस्तेमाल होता है हिंद से निकला हिंदवाणा यानी तरबूज हिंद ही से निकला है हिंदुकश और सिंध Isn't that amazing? Clearly it is, at least for me. तारीख की सबसे खूबसूरत बात यह है कि तारीख का कोई एक अनमोल वर्जन नहीं होता बस आप डॉट से डॉट मिलाते रहते हैं और एक नक्शा आपकी आंखों के सामने खिंचा चला जाता है पर जरूरी नहीं कि जो तारीख मैंने और आपने स्कूल में पढ़ी हो वो दुरुस्त हो और जरूरी नहीं कि आज तक हमारे आबाव अजदाद ने जो कहानियां हमें सुनाई हों वो सच हो सकता है कि उनकी और जमाने की कुछ मजबूरियां हों और मे बी देयर वाजंट इनफ रिसर्च अवेलेबल बट वन थिंग दैट आई हैव लर्नड सो फार इन दिस जर्नी इज दैट एज क्यूरियस ह्यूमन बीइंग्स हमें तारीख को अपनी आंखें और कान खोल के पढ़ना चाहिए और आज सिंध की जमीन पे तारीख की एक अनोखी मिसाल लाड़काना से 30 किलोमीटर दूर मौजूद है बज़ाहिर एक मुर्दा पहाड़ या मोहनजोदाड़ो आज भी मौर्रिखीन की हैरत का मरकज है लोकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिकंदर हुलियो का कहना है दैट द वर्ड मोहनजोदाड़ो मीन्स द विलेज ऑफ फिशरमैन जॉन मार्शल ने 1931 में मोहनजोदाड़ो को हिल ऑफ द डेड कहा पर डॉक्टर माइकल जेंसन जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशंस की रिसर्च पे लगा दिए मानते हैं कि क्योंकि आज तक कोई भी इंडिक स्क्रिप्ट को या वो जुबान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होती थी को डिसाइफर नहीं कर पाया इट्स बेस्ट टू कीप द मिस्ट्री अराउंड द एंशियंट सिटी एज एम्बिगुअस एज इट एक्चुअली इज ये लोग कहां गए डिड दे माइग्रेट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज Or were they abolished by another much superior civilization? या फिर किसी वबा ने इनके निशान मिटा दिए? We really don't know. हकीकत में आर्कियोलॉजिस्ट मोहनजोदाड़ो के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि वो कुछ खास नहीं जानते सिंध के लोगों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस धरती के लोगों ने शाह लतीफ की लेगेसी को अपने रस्म रिवाज और मेल जोल में आज भी जिंदा रखा हुआ है डिस्पाइट द रीसेंट अटैक्स ऑन डिवोशनल स्पेसेस सच एज सेवन शरीफ द प्रोविंस एंड इट्स पीपल हैव मैनेज्ड टू पुल अलोंग द रिलीजियस हार्मनी इट्स ऑलवेज बीन नोन फॉर
And for that, I have an enormous amount of love and respect for the people of Sindh. अंदाजा नहीं था कि घर से इतना दूर घर जैसा प्यार मिलेगा। Despite the huge historical and civilization gap, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंध के लोगों ने अपनी inclusivity, pluralism और multiculturalism सदियों पुराने पुरखों से लिया है। I may not have the evidence to prove the connection, but I know for a fact that सिंध के लोगों की religious और cultural openness is clearly unique and needless to say, heartwarming. चुन्नीलाल, मेरा नन्ना मासूम दोस्त और एक अमेजिंग टूर गाइड, प्रॉबली द बेस्ट टूर गाइड ऑन दिस जर्नी सो फार, सुपर स्ट्रीट स्मार्ट। ये 100 रुपए में आपको पूरे गांव का टूर करवाता है, दौड़ लगा के पहाड़ पे चढ़ना और मोर दिखाता है। ऊपर से उड़ेगा। सर अभी 2000 मोर हैं यहाँ पे। ब्लेस यू, आई होप यू गेट टू सी दिस बडी। कोई शक नहीं that we have a glorious past. और एक glorious past की कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती। But does the past really matter when the present is nothing like it? एक स्कूल भी नहीं, अस्पताल भी नहीं है। पानी भी तो हम कुआ खोलते हैं, वहां से पानी निकलता है, वहां से यहाँ बरसात का पानी तालाब होता है वहां से भर के लेके आते हैं। हैरत है, जो पास है उन्हें इतना दर्द नहीं, पर इस मिट्टी से हजारों मील दूर बसने वाले आज भी इस मिट्टी का दर्द रखते हैं। देर आर स्टिल गुड पीपल आउट देयर हु फील द पेन एंड सफरिंग ऑफ आवर ओन। अगर मेरा ये हाल है तो यहां रहने वालों का क्या हाल होगा? It's either the heat, dehydration, or maybe I'm just exhausted beyond mind.
दो दिन सोने के बाद आज आई फील मच बेटर एंड इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सिंध का दूसरा और पाकिस्तान का आठवां बड़ा शहर हैदराबाद इज अ सिटी एंड द कैपिटल ऑफ हैदराबाद डिवीजन लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फाउंडेड इन 1768 बाय मियां गुलाम शाह खलोड़ा ऑफ द खलहोड़ा डायनेस्टी, हैदराबाद सर्व्ड एज अ प्रोविंशियल कैपिटल अंटिल द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द कैपिटल टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1847। इस शहर का नाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के नाम पर रखा गया। The city of Hyderabad served as the capital of Sindh province between 1947 and 1955. Though Hyderabad became a majority Urdu-speaking city in the 1940s, the arrival of Pashtuns and Punjabis from northern Pakistan further diversified the city's ethnic composition over the next few decades. Aur aaj Pakistan ke sabse culturally rich shaharon mein se ek hai. Hyderabad mashhoor hai apni tareekh ke liye, apni chudiyon ke liye, अपने खानों और इस जमीन पर रहने वाले सूफियों की वजह से। बंदा हैदराबाद आए और पुलाव ना खाए ये हो ही नहीं सकता। History, the vastness of its landscape, culture, and people. इस जमीन से गुजरते हुए यूं महसूस होता है जैसे सदियों का सफर दिनों में कट गया हो। हमारी तारीख अजीम है पर हम हकीकत से मुंह फेर तो नहीं सकते। जो सबक तारीख चीख चीख के सिखाना चाहती है वो हम ना सुनना चाहते हैं ना सीखना। How long will we live in our past glory? When will our present be glorious again? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदत मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। हर चीज ने खत्म होना है और इस हकीकत को समझने के लिए एक कब्रिस्तान से बेहतर जगह नहीं हो सकती, और कोई आम कब्रिस्तान नहीं, बट वन दैट होल्ड्स फोर डायनेस्टीज एंड ऑलमोस्ट अ मिलियन ग्रेव्स। रियलिटी चेक हो तो ऐसा, क्या हम सब ने एक दिन मिट्टी में नहीं मिलना? नो मैटर हाउ ग्रेट वी आर जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट waiting to be soil. अफसोस ये realities बहुत लेट हिट करती हैं। मेरे गाइड नवाजुद्दीन ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले तक people have been stealing gravestones from the Makli necropolis. जिंदों को तो छोड़ा नहीं, मुर्दों को तो छोड़ दे। हम अपने आप को कब बदलेंगे? शाम ढलने को है, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे हैं और मेरा वक्त सिंध में खत्म होने को है। दिस बिटर स्वीट फीलिंग, चुप रहूं तो मुजरिम, कुछ कहूं तो मुतासिब। बहुत कुछ है कहने को दिल में, क्या कभी कह पाऊंगा? जाने से पहले एक सनसेट देखना जरूरी है। द सनसेट ऑफ बंबोर, द सनसेट ऑफ सस्सी सिटी। सस्सी पुन्नू की मशहूर दास्तान की हीरोइन। सस्सी के पैदा होते ही उसके कबीले के लोगों ने उसे डिसोन कर दिया था। नजूमियों का मानना था कि शी इज अ कर्स, Hence, she was thrown in the river Indus, जिसे एक धोबी ने डूबने से बचा लिया। And did you know, she turned out to be the most beautiful woman
सिंध हैड एवर सीन। और आज सस्सी की मोहब्बत और सस्सी की जुस्तजू और हिम्मत के गीत पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। लेट्स नॉट डिसोन व्हाट वी हैव लाइक सस्सीज पीपल डिसोन देयर डॉटर। Let's own our heritage before even that becomes a folk tale. And if we do that, then everything about Sindh can be as beautiful as Sassi and a city's sunset. जिंदा है तो चुप क्यों है, दर्द रखता है तो चुप क्यों है। नहीं बदलेगा तेरा हाल, ना बदलेगा मुस्तकबिल, जो याद माजी में गुम तू है। On the next episode of Easy Paisa Lahi.